हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टाइम मेक्स मनी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम मेक्स मनी को सब्सक्राइब करने के कितने बेनिफिट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने एक वीडियो का लिंक डाल रखा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि टाइम मेक्स मनी को सब्सक्राइब करने के कितने बेनिफिट्स हैं। आज हम लोग ऑटो एंसिलरी कंपनी के एक NRB बियरिंग का हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो ये हमने डेली बेसिस पे चार्ट ओपन कर लिया है NRB बियरिंग का। 134 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, एक अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ चल करके आ रहा है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे बन करके आ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हुए आ रहा है। यहाँ से करेंट मार्केट प्राइस है 135। वही अगर इसका पहले अगर टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा फॉल दिखाया, और लॉकडाउन की वजह से ये इसने लो दिखाया था 48 रुपीज़ का इसने लो बनाया था, और उसके बाद से एक अच्छा खासा यहाँ से हम लोगों को रिकवरी इसमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। एक अगर इसमें एक रेंज देखा जाए इस स्टॉक में तो एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक हर्डल था जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेता था हर वक्त। यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के ये डाउनसाइड इस एरिया से 93 के लेवल से दिखाता था। तो ये जो अब रेजिस्टेंस था ये आपका अब यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है 93 पे, ठीक है। और अभी अगर चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये आपका कोविड के पहले का जो टॉप बनाया था इसने 114 का टॉप बनाया था। ये कोविड का टॉप बनाया था इसने 100 कोविड से जस्ट पहले का 114 का टॉप बनाया था, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए अभी तो जिस टाइप से कोविड का इसने कोविड के टाइम में जो इसने लो दिखाया था वहाँ से अब अच्छा खासा अपसाइड का दिखाया है मोमेंट। एक रेजिस्टेंस जोन था 93 के आसपास में जिसको इसने दो बार टच किया और डाउनफॉल दिखाया कई बार, और इसने फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग का ये सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। और इसका कोविड के पहले जिस टाइप से इसमें अगर देखा जाए तो 114 का इसने टॉप बनाया था, तीन बार इसने टच किया और डाउनसाइड दिखाया, और इसने यहाँ से रिटेस्ट किया इस लेवल को और वापस की तरफ गया। अब एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट बनकर गया है 114 पे। तो आप लोग का बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप लोग इस बाइंग करने के लिए। अब टारगेट की भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं मूविंग एवरेज क्या है इस कंपनी का, क्या 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है कि नहीं। कोई भी कंपनी अगर 200 मूविंग एवरेज से काम कर रही है इट मीन्स यू कैन गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 200 मूविंग एवरेज से ये स्टॉक काफ़ी ऊपर काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो बाइंग कहाँ करनी है आप लोगों को, तो करेंट मार्केट प्राइस पे आप लोग काम कर सकते हैं। और स्टॉक अगर थोड़ा लोअर लेवल दिखाता है 124, 123, 128, 30 के आसपास में तो वहाँ पे आप लोग ऐड करते जाइए। और टारगेट की अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक में तो कहाँ पर आप लोगों का टारगेट रहेगा, तो चलिए हम लोग एक बार टारगेट की बात कर लेते हैं इस स्टॉक में। टारगेट की अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक में तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट आप लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और मेरे अकॉर्डिंगली इस स्टॉक में टारगेट रहेगा आप लोगों का 220 का। आप लोग टारगेट के साथ इस स्टॉक में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये, आप लोगों का पैसा ज़रूर बना करके देगी। तो जो हमने लेवल्स बताए हैं उस लेवल पर आप लोग काम कीजिए, आप लोगों के पैसे ज़रूर बनेंगे। और तब तक जुड़े रहिए टाइम मेक्स मनी से, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।